हाउ डू यू सी कौन से ऐसे सबसे हार्डकोर लेवरेजेस होते हैं जो यू फील कि आज की कैटेगरी में आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या वैल्यू रखते हैं कि अगर किसी ने ये क्रैक कर लिया तो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से स्केल हो सकता है। मैं इतना रिफाइंड तरीके से नहीं सोचता बिजनेस के बारे में। यार लोगों को मैनेजमेंट फंडे देने में थोड़े मजे आते हैं तो लोग ये टर्म्स यूज कर लेते हैं। टिकट साइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी इंटरनेट बिजनेसेस है ना, इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस। आप जहाँ पे फोन लेके खड़े हो ना, वहाँ पे सर्विस आएगी। आपको नहीं जाना कहीं, चाहे वो उबर हो गई, चाहे बुक माई शो हो गया, ग्रोफर्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो अमेजोन हो गया, सब कुछ ये है कि मेरे पास चल के आए चीज। जब आपके पास चीज चल के आ रही है, मतलब किसी और को डिलीवर करनी है, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हमेशा होगी बिजनेस में। और उसको कवर करने के लिए आपके पास टिकट साइज नहीं है, तो आप मार्जिन, कोई भी मार्जिन हो, आप कुछ नहीं कैसे कमाओगे। तो मेरे को ये लगता है जिस भी बिजनेस में अच्छा टिकट साइज है उसमें पैसा बनता है। अगर आप देखोगे जीरो ब्रोकरेज बिजनेस है, राइट, बट टिकट साइज इतने अच्छे हैं कि पैसा बन जाता है और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बिल्कुल लो है, बिकॉज आप सब कुछ डिजिटली डिलीवर करना। जो भी चीज डिजिटली डिलीवर करनी है इंडिया में, उसमें धंधा बन जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और बिग बिजनेसेस इन इंडिया, राइट, बिकॉज कंटेंट डिजिटली डिलीवर करना है। घर बंदा नहीं भेजना आपके कोई पोस्टर पकड़ के कि भाई तू, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज वेरी लो, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज लो, तो वहां पे आप एडवर्टाइजमेंट में पैसे कमा लेते हो। पर जहां पे आपको डिलीवर करना है, वहां पे तो टिकट साइज के बिना आप कुछ नहीं करते।